हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय रेलवे जो है 151 नई प्राइवेट ट्रेनें चलाने वाली है, जिसका प्रोजेक्ट अप्रैल 2021 में अप्रूव हो जाएगा। तो इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि क्या इसकी वजह से पूरा भारतीय रेलवे प्राइवेट हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको लेकर के हमारे रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी ने भी अपने ट्विटर पे कुछ ट्वीट लिखा है। तो आइए आपको बताता हूँ उन्होंने ट्वीट में अपने क्या लिखा है। तो पीयूष गोयल जी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि 151 निजी ट्रेनों के संचालन से यात्रियों के लिए ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी। इस विस्तार से रोजगार का सृजन होगा, यात्रियों को अच्छी सुविधा, सुरक्षा व सुगम सफ़र का आनंद मिलेगा, जिसमें 95% ट्रेनें भारतीय रेल चलाएगी व उनकी यात्रा का किराया भी भारतीय रेल ही निर्धारित करेगी। तो जैसा कि आप सब ट्वीट से समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इन 151 ट्रेन से जुड़े डिटेल्स को जानेंगे और इनसे क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भारतीय रेलवे जो 151 ट्रेनें प्राइवेट चलाएगा वो इन मेक इंडिया के तहत भारतीय रेल के अंदर चलाई जाएंगी, जिसके लिए 109 से अधिक रूट्स तय कर लिए गए हैं कि किन रूट्स पर ये ट्रेन चलाई जाएंगी। बात करें अगर इन रेलवेज़ की स्पीड की, तो इनकी स्पीड जो होगी वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेनें दौड़ेंगी। तो प्रत्येक ट्रेन में 16 कोच जोड़ने का भी आदेश दिया है। तो इसको लेकर के 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे हमारा रेलवे जो है एक नई ऊंचाई पर जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इससे प्रॉफिट क्या होगा। तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं ये सारी अपनी ट्रेन्स को चलाने के लिए जो ट्रैक्स हैं, हमारे रेलवे ट्रैक्स इन्हीं पे चलाएंगी, लेकिन इनको मेंटेन करेगी, इनके ट्रैक्स को मेंटेन करेंगी, इनके सिग्नल सिस्टम को मेंटेन करेगी। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इनको मेंटेन करेगी, जिससे इनकी जो रफ्तार है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाए। तो इसकी वजह से जो फ़ायदा होगा वो हमारे भारतीय रेल को भी होगा, क्योंकि हमारी भारतीय रेल जो है वो 130 या 140 की स्पीड में चलती हैं, और जब हमारे ट्रैक और सिग्नल मेंटेन हो जाएंगे जो कि प्राइवेट कंपनियाँ कराएंगी, तो इसके हिसाब से हमारी ट्रेन भी इस स्पीड में चल सकेंगी और अपने सही निर्धारित टाइम पर सही स्टेशन पर पहुँच जाएंगी। तो दूसरी चीज़ की बात करेंगे किराए की, जो कि सबसे ज़्यादा लोगों के मन में डाउट है कि इसका किराया बहुत हाई होगा, आम आदमी कैसे पे करेगा, आम आदमी कैसे इसमें ट्रैवल करेगा। तो इसका किराया बहुत हाई नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसा कि पीयूष गोयल जी ने कहा है कि इसका किराया भारतीय रेल ही तय करेगी। लेकिन जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ट्रेन को चलाएंगे वो अपना एक प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को देंगे, जो कि डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम किराया कितना रखना है। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि टेलीकॉम कंपनियाँ हैं हमारे देश के अंदर, एयरटेल, वोडाफोन, जियो। तो इनके अंदर क्या होता है कि कॉम्पिटिशन होता है कि जिसका डेटा या फिर जिसके प्लान्स जितने सस्ते होते हैं लोग उनको सबसे ज़्यादा परचेस करते हैं। ठीक इसी तरह इन प्राइवेट सेक्टर की रेलवेज़ में भी कंपटीशन होगा, जिसकी वजह से ये कम से कम किराया लेने की कोशिश करेंगी, जिससे इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल कर सकें। सो इस हिसाब से क्या होगा कि एक कंपटीशन का माहौल बन जाएगा, जिससे एक आम आदमी को भी फ़ायदा होगा। हालांकि इन ट्रेनों का किराया जो होगा वो नॉर्मल ट्रेनों से ज़्यादा होगा, लेकिन जिन लोगों को जल्दी दूरी तय करनी होती है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जो लोग पैसे का मोल भाव नहीं करते, तो उन लोगों के लिए ट्रेन होगी और ज़्यादातर लोगों को जल्दी जाने की ज़रूरत होती है। और बाकी ट्रेनें जो है 95% ट्रेनें जो भारतीय रेलवे चला रहा है अभी तक वो सारी वैसे ही चलेंगी, जैसा कि आम आदमी ट्रैवल कर रहा था वैसे ही वो ट्रैवल करता रहेगा। बस फ़ायदा क्या होगा, जिन लोगों को जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचना है वो इन ट्रेनों का सहारा लेंगे। तो जैसा कि भारतीय रेल ने कहा है कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो इंडिया के अंदर ही होगी, जिससे जो बड़ी कंपनियाँ हैं वो अपने अपने प्लांट्स लगवाएंगी और लोगों को उसमें हायर करेंगी। तो एक हिसाब से लोगों को जॉब मिलेगी। हालांकि इन ट्रेनों के अंदर जो पायलट और गार्ड होंगे वो भारतीय रेल द्वारा ही तय करेंगे, यानी कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे और वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ही आएंगे। लेकिन इसके बाकी जितने भी कर्मचारी हैं, सफाई, मेंटेनेंस कर्मचारी, ये सारे प्राइवेट की तरफ से होंगे। तो एक हिसाब से देखा जाए तो नई ट्रेन्स के लिए नए पायलट और नए कर्मचारी भी चाहिए होंगे, तो उसके लिए हमारे रेलवेज़ के अंदर भी वैकेंसी बढ़ेंगी और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी, जो लोग जॉब नहीं मिल पाती या फिर जो लोग कुछ नंबर से पीछे रह जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि ये ट्रेनें कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएंगी, यानी किन रूट्स पर ये चलाई जाएंगी। तो ये ज़्यादातर लंबे रूट्स पे चलाई जाएंगी। तो पहला है मुंबई से कोलकाता, मुंबई से चेन्नई, मुंबई से गुवाहाटी, नई दिल्ली से मुंबई, तिरुवनंतपुरम से गुवाहाटी, नई दिल्ली से बेंगलोर, नई दिल्ली से चेन्नई, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से जोधपुर और वाराणसी से मुंबई, मुंबई से पुणे, मुंबई से लखनऊ, मुंबई से नागपुर, नागपुर से पुणे, सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम, पटना से बैंगलोर, पुणे से पटना, सूरत से वाराणसी और भुवनेश्वर से कोलकाता, ये सब शामिल हैं। वहीं कुछ और रूट्स की बात करें तो दिल्ली से पटना, इलाहाबाद, अमृतसर, चंडीगढ़, कटरा, गोरखपुर, छपरा और भागलपुर को जोड़ने वाले कुछ मार्गों पर भी ये ट्रेन जो है वो रन कराई जाएंगी। तो इन ट्रेनों से रिलेटेड आपके लिए एक थी छोटी सी जानकारी। आपके मन में भी इस वीडियो को लेकर के कोई सुझाव या सवाल है तो आप नीचे बेशक कमेंट कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ इस चैनल पर प्रोवाइड कराते रहते हैं।